फ्रेंड्स, आज हम आपको टी टाइम स्नैक्स बनाना बताएंगे। इसमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है नॉर्मली सबके घरों में होता है। क्लिक करिए सब्सक्राइब बटन को ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आप लोग मिस ना करें। यहाँ पर हमने चावल का आटा ले लिया है। चावल को वॉश करके हल्का सा फैला दिया था, फिर पीस लिया, उसका पाउडर बन गया। और इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे महीन महीन, और थोड़ा सा कद्दूकस करके हमने ग्रेटेड गाजर डाल दी है जो आजकल आ रही है मार्केट में, और हरी मिर्च डाल देंगे। इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पर प्याज डाल सकते हैं आप। और फिर हमने थोड़ी सी पनीर को भी कद्दूकस कर लिया है, ये डाल दिया है, जो जो सामान आपके पास हो। नॉर्मली वैसे यही अच्छा लगता है। और हमने जो चावल का आटा लिया है वो हमने पीस लिया था, पोंछ कर आप पीस सकते हैं। यहाँ पर हमने नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, लाल मिर्च चिली फ्लेक्स हमने डाला है, आप नॉर्मली लाल मिर्च काली मिर्च डाल सकते हैं। और यहाँ पर हमने गरम मसाला डाला है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर छोटी 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, 2 से भी कम हमने डाला है, इसमें ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं लगते। और यहाँ पर नींबू आधा डाल देंगे हम, 1 नींबू भी आप डाल सकते हैं। चावल का आटा मैं बता रही थी कि आप इस तरीके से भी पीस सकते हैं, मिक्सी जार में पोंछ कर खूब अच्छे से, और आप धोकर खूब अच्छे से और कपड़े पे फैला लीजिए और पंखे में सुखा लीजिए, उसको भी आप पीस के बना सकते हैं इस तरीके से। या फिर मार्केट में भी मिलता है, महीन चावल का आटा चाहिए, कोई भी चावल हो, इन सब को हम खूब अच्छे से मैश कर लेंगे, मिला लेंगे। अब हम यहाँ पर पानी लेंगे, 1/2 ग्लास पानी लिया है, जितना लगेगा, बिल्कुल जरा जरा सा हमें पानी डालना है, इसको गीला बिल्कुल नहीं करना है हमें। आजकल तो ये सब स्नैक्स बहुत ही अच्छे, बिना इसमें कोई ऑयल नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है, बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। देखिए हमारा ये जिस तरीके से आटा मलते हैं, ऐसे डो तैयार हो गया और हमारा आधा पानी लगा है, 6 से 7 चम्मच छोटी लगा है, और थोड़ा सा ऑयल से हम इस तरीके से लगा लेंगे ऊपर से। और इस तरीके की छलनी तो सभी के पास होती है नॉर्मली घर में छानने वाली, तो ये ले लेंगे, इसमें अच्छे से ऑयल लगा लेंगे, बहुत अच्छे से आप लगाइएगा। स्टील की छलनी है या आपके पास जैसी भी हो, अब हम इसको साइड में कर देते हैं। और इस जो हमने टो बनाया था, हाथ में घी लगा लेंगे और इसके छोटे छोटे से गोले पहले बनाएंगे, और उसके बाद हम धीरे से करके लंबा कर देंगे। ये देखिए आपका ये थोड़ा सा दरदरा टाइप का होगा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा या बहुत मुलायम सा नहीं होगा, इसलिए आप वो रहिएगा कि थोड़ा दरदरा टाइप का आपका ये बनेगा। ये देखिए इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे, क्योंकि चावल होता तो थोड़ा सा धीरे से फूल भी जाता है। ये देखिए हमने एक बार सारे बना लिए। और यहाँ पर हमारे पास नॉन स्टिक पैन है इस तरीके से, ये हमारा बिरयानी वगैरह हमने इसमें बनाया था। और आपके पास कोई पतीला हो, कढ़ाई हो, उसमें भी आप इस तरीके से पानी डाल लीजिए, और ध्यान रखिए चलनी आपकी पानी में नहीं डूबे। इस तरीके से हम घड़ी देख कर 12 से 15 मिनट, पहले आँच को तेज कर दीजिएगा फिर मीडियम कर दीजिए, और एक बार आप देखिए चाकू डालकर, अगर आपका चाकू क्लीन निकलता है तो ये आपका बन चुका है। ये हमारा बन गया है, इसमें हमें 12 से 13 मिनट लगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और हम सारे निकाल लेंगे, इसी तरीके से हम दूसरा भी बनाकर हमने तैयार कर लिया। जितनी देर में ये हमारा हो रहा था स्टीम, हम दूसरा इसी में डाल देंगे। हमारा पानी नीचे नॉर्मली भरा हुआ है, गैस को बंद करने के बाद हम इसको डालेंगे, फिर से गैस को ऑन करके हमें 12 से 15 मिनट के बीच में फिर रखना है, और धीमी आंच पर हमें रखना है क्योंकि पानी हमारा पहले से ही गर्म है। तो अब इस तरीके से देखते हैं हमारा तैयार हो गया, गैस को हमने ऑफ कर दिया है, और थोड़ा सा ठंडा होने पर हम इसको भी हम निकाल लेते हैं। और अब हम ये बताते हैं कि आपको, ये देखिए हमारा चाकू क्लीन निकल रहा है, अगर आपको लगे अभी नहीं हुआ तो आप और कस सकते। यहाँ पर हम इस तरीके से भी खा सकते हैं आराम से, हरी चटनी के संग थोड़ा सा मसाला वसाला डाल के छोटे छोटे पीसेस करके भी खा सकते हैं, टूथपिक लगाकर,
लेकिन हम ऐसे नहीं खाएंगे। अब हम यहाँ पर एक पैन चढ़ाएंगे और यहाँ पर ऑयल डाल देंगे, थोड़ा सा हींग डालेंगे। ऑयल हमने एक चम्मच डाला है बड़ा। यहाँ पर हम सरसों के दाने डाल देंगे या राई आपके पास कुछ भी हो, और इसको तेज को हो जाए तब हम इसमें वाइट वाली तिल डाल देंगे। अगर आपके पास इस समय हो तो आप डालिए, वाइट भी कर सकते हैं। और इस जगह पे हम काफ़ी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे करी पत्ता हमारे पास नहीं था तो इस समय हमने नहीं डाला है, और हरी मिर्च भी इससे काट के हमने डाल दी है, दो से चार डाल सकते हैं। और तिल को हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, यहाँ पर आप अदरक की पीसेस भी डाल सकते हैं। और अब हम इस तरीके से ये बना हुआ जो हमारा स्नैक्स है इसको हम डालते जाएंगे। अगर आपको इस तरीके से फ्राई नहीं करना तो आप गरम गरम छोटे छोटे पीस करिए और चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इसके संग हरी चटनी धनिया की आप प्लीज़ बनाइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपी जो भी हो वो आपके पास जाए। यहाँ पर हम ऊपर से नमक डाल देंगे थोड़ा, याद रहे कि हमने अंदर भी डाला हुआ है, और थोड़े से मसाले डाल देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा गर्म मसाला और डाल देते हैं चटपटा बनाने के लिए। ऊपर से थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देते हैं, जीरा पाउडर आप डाल सकते हैं, यहाँ पर चाट मसाला डाल सकते हैं, थोड़ा सा चाट मसाला भी हमने डाल दिया है। जो भी आपके पास हो थोड़ा चटपटा सा अच्छा लगता है इस समय। और इसको आप बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आपको इस टाइप की रेसिपी कैसी अच्छी लगती है मेरी। और अगर और ये भी बताइए कि आपको नेक्स्ट रेसिपी कौन सी हम आपको बताएं, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर नींबू हम ऊपर से डाल देंगे,